बड़ा हादसा। किमलासा रोड पर दर्दनाक हादसा। मोटरसाइकिल ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत। संदीप लोधी एवं विक्की कुशवाहा गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। बीना से सचिन पवार की एक रिपोर्ट। सागर, तो उसमें क्या मामला है पूरा? एक एक्सीडेंट हुआ था एक ऑटो के बीच में और एक मोटरसाइकिल के बीच में। जो मोटरसाइकिलिस्ट था उसने अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में था वो, और उसने एक्सीडेंट हुआ उन दोनों के बीच में। कोलिजन के कारण मतलब चोटें आईं, जिसमें जो मोटरसाइकिल वाला था वो काफ़ी गंभीर रूप से पीड़ित था। तो उसको प्राथमिक उपचार देकर और उसको सागर रेफर किया गया। मेमो भी भेजा था उसका थाने, और उनकी MLC भी हुई है प्रॉपर। और जो दूसरा व्यक्ति था उसके पैर में काफ़ी चोट आई है, और उसका भी प्राथमिक इलाज करके दोनों को साथ में ही रेफर किया गया। सर, बीना में बड़ा हादसा। किमलासा रोड पर दर्दनाक हादसा। मोटरसाइकिल ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत। संदीप लोधी एवं विक्की कुशवाहा गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। बीना से सचिन पवार की एक रिपोर्ट। क्या मामला है पूरा? एक एक्सीडेंट हुआ था एक ऑटो के बीच में और एक मोटरसाइकिल के बीच में। जो मोटरसाइकिलिस्ट था उसने अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में था वो, और उसने एक्सीडेंट हुआ उन दोनों के बीच में। कोलिजन के कारण मतलब चोटें आईं, जिसमें जो मोटरसाइकिल वाला था वो काफ़ी गंभीर रूप से पीड़ित था। तो उसको प्राथमिक उपचार देकर और उसको सागर रेफर किया गया। मेमो भी भेजा था उसका थाने, और उनकी MLC भी हुई है प्रॉपर। और जो दूसरा व्यक्ति था उसके पैर में काफ़ी चोट आई है, और उसका भी प्राथमिक इलाज करके दोनों को साथ में ही रेफर किया गया।
बीना में बड़ा हादसा। किमलासा रोड पर दर्दनाक हादसा। मोटरसाइकिल ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत। संदीप लोधी एवं विक्की कुशवाहा गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। बीना से सचिन पवार की एक रिपोर्ट। सागर, तो उसमें क्या मामला है पूरा? एक एक्सीडेंट हुआ था एक ऑटो के बीच में और एक मोटरसाइकिल के बीच में। जो मोटरसाइकिलिस्ट था उसमें अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में था वो, और उसमें एक्सीडेंट हुआ उन दोनों के बीच में। कोलिजन के कारण मतलब चोटें आई, जिसमें जो मोटरसाइकिल वाला था वो काफ़ी गंभीर रूप से पीड़ित था, तो उसको प्राथमिक उपचार देकर और उसको सागर रेफर किया गया। मेमो भी भेजा था उसका थाने और उनकी MLC भी हुई है प्रॉपर। और जो दूसरा व्यक्ति था उसके पैर में काफ़ी चोट आई है और उसका भी प्राथमिक इलाज करके दोनों को साथ में ही रेफर किया गया। हादसा। किमलासा रोड पर दर्दनाक हादसा। मोटरसाइकिल ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत। संदीप लोधी एवं विक्की कुशवाहा गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। बीना से सचिन पवार की एक रिपोर्ट। सागर, तो उसमें क्या मामला है पूरा? एक एक्सीडेंट हुआ था एक ऑटो के बीच में और एक मोटरसाइकिल के बीच में। जो मोटरसाइकिलिस्ट था उसमें अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में था वो, और उसमें एक्सीडेंट हुआ उन दोनों के बीच में। कोलिजन के कारण मतलब चोटें आई, जिसमें जो मोटरसाइकिल वाला था वो काफ़ी गंभीर रूप से पीड़ित था, तो उसको प्राथमिक उपचार देकर और उसको सागर रेफर किया गया। मेमो भी भेजा था उसका थाने और उनकी MLC भी हुई है प्रॉपर। और जो दूसरा व्यक्ति था उसके पैर में काफ़ी चोट आई है और उसका भी प्राथमिक इलाज करके दोनों को साथ में ही रेफर किया गया।
बीना में बड़ा हादसा। किमलासा रोड पर दर्दनाक हादसा। मोटरसाइकिल ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत। संदीप लोधी एवं विक्की कुशवाहा गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। बीना से सचिन पवार की एक रिपोर्ट। हुए हैं सागर, तो उसमें क्या मामला है पूरा? एक एक्सीडेंट हुआ था एक ऑटो के बीच में और एक मोटरसाइकिल के बीच में। जो मोटरसाइकिलिस्ट था उसने अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में था वो, और उसने एक्सीडेंट हुआ उन दोनों के बीच में। कोलिजन के कारण मतलब चोटें आई, जिसमें जो मोटरसाइकिल वाला था वो काफ़ी गंभीर रूप से पीड़ित था, तो उसको प्राथमिक उपचार देकर उसको सागर रेफर किया था। मेमो भी भेजा था उसका थाने, और उनकी एमएलसी भी हुई है प्रॉपर। और जो दूसरा व्यक्ति था उसके पैर में काफ़ी चोट आई है, और उसका भी प्राथमिक इलाज करके दोनों को साथ में ही रेफर किया गया है। बीना में बड़ा हादसा। किमलासा रोड पर दर्दनाक हादसा। मोटरसाइकिल ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत। संदीप लोधी एवं विक्की कुशवाहा गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। बीना से सचिन पवार की एक रिपोर्ट। हुआ था एक ऑटो के बीच में और एक मोटरसाइकिल के बीच में। जो मोटरसाइकिलिस्ट था उसने अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में था वो, और उसने एक्सीडेंट हुआ उन दोनों के बीच में। कोलिजन के कारण मतलब चोटें आई, जिसमें जो मोटरसाइकिल वाला था वो काफ़ी गंभीर रूप से पीड़ित था, तो उसको प्राथमिक उपचार देकर उसको सागर रेफर किया गया। मेमो भी भेजा था उसका थाने, और उनकी एमएलसी भी हुई है प्रॉपर। और जो दूसरा व्यक्ति था उसके पैर में काफ़ी चोट आई है, और उसका भी प्राथमिक इलाज करके दोनों को साथ में ही रेफर किया गया।
बीना में बड़ा हादसा। किमलासा रोड पर दर्दनाक हादसा। मोटरसाइकिल ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत। संदीप लोधी एवं विक्की कुशवाहा गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। बीना से सचिन पवार की एक रिपोर्ट। सागर, तो उसमें क्या मामला है पूरा? एक एक्सीडेंट हुआ था एक ऑटो के बीच में और एक मोटरसाइकिल के बीच में। जो मोटरसाइकिलिस्ट था उसमें अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में था वो, और उसने एक्सीडेंट हुआ उन दोनों के बीच में। कोलिजन के कारण मतलब चोटें आई, जिसमें जो मोटरसाइकिल वाला था वो काफ़ी गंभीर रूप से पीड़ित था, तो उसको प्राथमिक उपचार देकर और उसको सागर रेफर किया गया। मेमो भी भेजा था उसका थाने और उनकी एमएलसी भी हुई है प्रॉपर। और जो दूसरा व्यक्ति था उसके पैर में काफ़ी चोट आई है और उसका भी प्राथमिक इलाज करके दोनों को साथ में ही रेफर किया गया। बीना में बड़ा हादसा। किमलासा रोड पर दर्दनाक हादसा। मोटरसाइकिल ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत। संदीप लोधी एवं विक्की कुशवाहा गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। बीना से सचिन पवार की एक रिपोर्ट। एक ऑटो के बीच में और एक मोटरसाइकिल के बीच में। जो मोटरसाइकिलिस्ट था उसने अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में था वो, और उसने एक्सीडेंट हुआ उन दोनों के बीच में। कोलिजन के कारण मतलब चोटें आई, जिसमें जो मोटरसाइकिल वाला था वो काफ़ी गंभीर रूप से पीड़ित था, तो उसको प्राथमिक उपचार देकर और उसको सागर रेफर किया गया। मेमो भी भेजा था उसका थाने और उनकी एमएलसी भी हुई है प्रॉपर। और जो दूसरा व्यक्ति था उसके पैर में काफ़ी चोट आई है और उसका भी प्राथमिक इलाज करके दोनों को साथ में ही रेफर किया गया।
बीना में बड़ा हादसा। किमलासा रोड पर दर्दनाक हादसा। मोटरसाइकिल ऑटो की जबरदस्त भिड़ंत। संदीप लोधी एवं विक्की कुशवाहा गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। बीना से सचिन पवार की एक रिपोर्ट। रेफर हुए हैं सागर, तो उसमें क्या मामला है पूरा? एक एक्सीडेंट हुआ था एक ऑटो के बीच में और एक मोटरसाइकिल के बीच में। जो मोटरसाइकिलिस्ट था उसने अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में था वो, और उसने एक्सीडेंट हुआ उन दोनों के बीच में। कोलिजन के कारण मतलब चोटें आई, जिसमें जो मोटरसाइकिल वाला था वो काफ़ी गंभीर रूप से पीड़ित था, तो उसको प्राथमिक उपचार देकर और उसको सागर रेफर किया गया। मेमो भी भेजा था उसका थाने और उनकी एमएलसी भी हुई है प्रॉपर। और जो दूसरा व्यक्ति था उसके पैर में काफ़ी चोट आई है और उसका भी प्राथमिक इलाज करके दोनों को साथ में ही रेफर किया गया।